बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक्स विच इज़ फॉर क्लास 3 न्यू इंटरनेशनल एडिशंस इन अकॉर्डिंग विद SNC सिंगल नेशनल करिकुलम। आज हम अपना पेज नंबर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, पेज नंबर 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 22 के ऊपर हम आ गए। यहाँ पे आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। यहाँ पे हमने एक यूज़ करना है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब है कि बड़ा है इससे, स्मॉलर देन का मतलब है छोटा है इससे। इसके ऊपर लिख लेते हैं, बड़ा बड़ा है, स्मॉलर देन इससे छोटा है, इक्वल टू बराबर है। इसका यूज़ अब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, आपने इनके दरमियान कंपैरिजन करना है कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी छोटी, और ये देखना है कौन किस से बड़ा है। से का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, 472 या 427। सबसे पहले देखना है बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, 472 इज़ ग्रेटर देन दिस, 472 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि ये नंबर बड़ा है इस नंबर से। तो यहाँ पे अब आपने इस्तेमाल करना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यानी कि ये नंबर बड़ा है इससे। उसके बाद आ रहा है 525 बड़ा है या 600 बड़ा है। तो इसके बारे में पिछले को हमने वैल्यू देनी है, हमने पिछले के बारे में लिखना है कि वो बड़ा है या छोटा है। पिछले के बारे में हमने लिखना है, इसमें 500 ये से छोटा है, तो इसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉलर देन। 525 इज़ स्मॉलर देन SMALLER, स्मॉलर देन 625। ठीक है, सॉरी एन कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया। उसके बाद आगे आ जाएं, 300 बड़ा है, 301 है और ये भी 301 है। तो यहाँ पे तो अब आ गया है इक्वल का इस्तेमाल। जब आपके पास दोनों साइड पे सेम वैल्यू आ जाए तो वो इक्वल हो जाती है। वैसे तो हम सिंबल यूज़ करते हैं ना इक्वल का। अब यहाँ पे आपने इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू, EQUALTO, इक्वल टू। उसके बाद देखें यहाँ पे 266 बड़ा है या 299 बड़ा है और ये छोटा है, तो इसके बारे में लिखेंगे हम कि ये नंबर छोटा है इस नंबर से, यानी स्मॉलर है। तो मैं लिखूँगी स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर देन, और ये बड़ा है या छोटा, अब ये नंबर छोटा है इस वाले नंबर से, तो इसके बारे में फिर से स्मॉलर देन आएगा, स्मॉलर देन। 557 इज़ स्मॉलर देन 75, यानी कि 500 वाला नंबर जो है वो छोटा है इस नंबर से। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं, इसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द इंसर्ट द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने किस तरह इन दोनों सिंबल का इस्तेमाल करना है। बहुत ईजी है, जो आपको आने वाली क्लासेस में भी याद रहेगा। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पर भी एक रफ़ सा अमल करके बता देती हूँ, ठीक है। ये देखें, आप बच्चों को भी इस तरह से समझा सकते हैं कि आपके पास एक नंबर है 9। सबसे पहले बच्चों को छोटे नंबर से बताना चाहिए, उनको वो चीज़ रिकॉल हो जाती है कि हाँ जी, यहाँ पे छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट हमने करना है। तो बड़ी वैल्यूज़ फिर तब उनको समझ आती हैं। तो 9 आपके पास एक वैल्यू है, दूसरी आपके पास एक 2 वैल्यू है। तो इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है, बच्चे फ़ौरन बता देंगे आपको कि ये बड़ा है और ये छोटा है। और इसमें वो कुछ कन्फ्यूज़ होंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ जल्दी बोलेंगे, तो ये नंबर फ़ौरन सारे बच्चे बता देते हैं, वीक भी और जो लाइक बच्चे हैं वो भी। तो ये आपके पास बड़ा नंबर है और ये आपके पास छोटा नंबर है। तो इन दोनों सिंबल का किस तरह इस्तेमाल करना है, इस सिंबल को आप देख सकते हैं, इसका एक ओपन फेस है और एक इसकी बैक साइड है, ठीक है। एक इसका ओपन फेस है और एक बैक साइड। तो जो नंबर बड़ा होगा आपने इसका ओपन फेस उसकी तरफ कर देना है,
ठीक है। आपने जस्ट इस इन दोनों सिंबल में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इसका जो ओपन फेस है आपने वो बड़ी वैल्यू की तरफ रखना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ये नहीं देखना कि कौन छोटा छोटी की तरफ क्या करना है या बड़े की तरफ क्या या कुछ भी। आपने जस्ट क्या करना है कि जो इन दोनों नंबर में से या इन में से नंबरों में से जो नंबर बड़ा होगा आपने उसकी तरफ इसका ओपन फेस कर देना है, या आप इसको खुला मुंह भी समझा सकते हैं बच्चों को। तो ओपन फेस मींस कि इसका जो ओपन साइड होती है, ठीक है, ये एक होती है ट्रिक समझने की। तो हम क्या करेंगे, इसका ओपन फेस इसकी तरफ कर देंगे। ये इसका ओपन फेस है, दोनों इसकी जो लेग्स है ना ओपन, ये इसकी तरफ मोड़ देंगे हम। बस हमारा अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये छोटी की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंबल भी यूज़ हो गया, छोटी की तरफ इसका मुंह आ गया और ये बड़े वाला इसकी तरफ हो गया, ठीक है। अब इन नंबरों पे आ जाते हैं और जो दो वैल्यू जब सेम आएंगी तो आपने इक्वल का सिंबल यूज़ कर लेना है। अब आप देखें यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 800 वाला बड़ा है या 7 वाला, 800 वाली वैल्यू बड़ी है तो आपने इसकी तरफ इसका ओपन फेस कर देना है। अब 200 वाली बड़ी है, 9 वाली, तो आपने इसकी तरफ ओपन फेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ओपन फेस वाला सिंबल यूज़ हो रहा है, ना कि लेस देन या ग्रेटर देन या नो एनी कन्फ्यूजन कि यहाँ पर हमने कौन सा किसकी साइड पे करना है या क्या करना है। आपने जस्ट याद रखना है कि जो जो नंबर बड़ा होगा हमने उसकी तरफ ओपन फेस रख देना है। 6 6 देखें दोनों वैल्यू 6 6 हैं तो हम इनका नेक्स्ट वाला डिजिट मैच करेंगे। ये फर्स्ट वाला तो सेम आ गया, अब ये 9 है और ये 5 है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसकी तरफ इसका ओपन फेस। उसके बाद ये दोनों सेम आ गए, यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, नो इशू। और यहाँ पे देखें इनको मैच करेंगे हम, फर्स्ट डिजिट 8 है, इसका भी फर्स्ट 8 है, यानी कि दोनों 800 है, तो नेक्स्ट डिजिट को मैच कर लेते हैं। तो ये वैल्यू बड़ी है 4 वाली, क्योंकि ये 840 और ये 804 है, तो ये इसकी तरफ ओपन फेस। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये देखें 200 वाली वैल्यू बड़ी है, 9 वाली बड़ी है, तो इसकी तरफ ओपन फेस कर देंगे। इन दोनों में से ये भी 6 है, ये भी 6 है, इनका सेकंड वाला डिजिट भी सेम है, तो हम उससे नेक्स्ट वाला डिजिट मैच करेंगे यानी कंपेयर करेंगे। तो इधर ये 0 है और ये 8, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है 688 वाली, तो इसकी तरफ इसका ओपन फेस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम आ गए, इक्वल का सिंबल यूज़ हो जाएगा। 3 वाली वैल्यू बड़ी है, दोनों 3 3 हैं, तो नेक्स्ट सिंबल मैच करिए, 321 वाली बड़ी है, इसकी तरफ ओपन फेस हो जाएगा। ये दोनों फिर इक्वल आ गई हैं तो आपने यहाँ पे इक्वल का सिंबल यूज़ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। आई होप कि आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल जो है वो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, सर्कल द ग्रेटर नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन रो। ये कह रहे हैं आपके पास रोज गिवन है, रोज मीन्स कि ये लाइनें गिवन हैं, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, यानी कि इसके आपके पास 7 पार्ट्स हैं, तो इस हर एक पार्ट में एक लाइन है ये वाली, तो इसमें से जो इन चारों नंबरों में से जो बड़ा नंबर है उसके ऊपर हमने क्या कर देना है, ग्रेटर नंबर है उसके ऊपर हमने सर्कल लगा देना है। तो 703 बड़ा है इन सारों में से। अब पार्ट 2 में देखिए 797 यानी कि 900 वाली वैल्यू बड़ी है, और पार्ट 3 में देखें 320 वाली वैल्यू बड़ी है। 4 में आ जाएं 888 वाली बड़ी है, सारे छोटे। 5 में आ जाएं 300 200 300 500 वाली वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे छोटे बड़े के लिए ना आपने डिजिट को कंपेयर करना होता है। 6 में आ जाएं, 6 में देखें 800 बड़ा है क्योंकि बाकी 808 है, 800 है, 828 है, तो 880 सबसे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद 281 है, 82 382 500 है, 400, तो 5 वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ग्रेटर। पेज नंबर 22 आपका हो गया है कम्प्लीट। इस पेज में से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।